नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत से गुस्साई मोदी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना, फिर आयात शुल्क 200% बढ़ाकर पाक की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, और अब हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले हुर्रियत नेताओं पर मोदी सरकार का चाबुक चला। रविवार को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता मिरवाइज उमर फारूक समेत कई अलगाववादी नेताओं की सरकारी सुरक्षा वापस ले ली है। उमर फारूक के अलावा अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, फजल हक कुरैशी, शब्बीर शाह की सरकारी सुरक्षा वापस ले ली है। इसके अलावा इन्हें मिल रही सारी सरकारी सुविधाएं भी छीन ली गई है। बीते एक दशक में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर सरकारी खजाने से करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य गृह विभाग के एक आदेश के मुताबिक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मिरवाइज मौलवी उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल गनी लोन, शब्बीर शाह और हाशिम कुरैशी को दी गई सुरक्षा वाहन और बाकी सुविधाएं वापस ली जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य सरकारी सुविधा भी इनको प्राप्त है तो वो भी हटाई जाएगी। इन नेताओं के सुरक्षा कर्मियों, एस्कॉर्ट, वाहन और बाकी सुविधाओं पर सरकारी खर्च हुए। सिर्फ मिरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा पर ही 6 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इसमें से 1.27 करोड़ उनके साथ अटैच पुलिस एस्कॉर्ट पर हुए हैं, जबकि उनके घर पर तैनात सुरक्षा गारद पर 5.06 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब्दुल गनी भट्ट की सुरक्षा पर बीते एक दशक में 2.34 करोड़ की राशि खर्च हुई है, जबकि बिलाल गनी लोन की सुरक्षा पर इस दौरान 1.65 करोड़ और हाशिम कुरैशी की सुरक्षा पर भी करीब 1.5 करोड़ खर्च किए गए हैं। देश की धरती से देश के सभी बहादुर सपूतों को और उनको जन्म देने वाली हर मां को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने हमेशा से देश को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। वो कुछ नहीं कहते, बस डटे रहते हैं। एक देश के नाते हमारा काम यहीं से शुरू होता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहे। सरकार की, प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं, उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है, ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला,
बम दागने वाला हो यार फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। मैं देश के लिए अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी। यहाँ के जनता लोग क्या हम लोग ऑटो चालकों से अनुरोध करते हैं कि बैंक में अकाउंट है शहीदों के नाम से, वो अपना अपना जो भी योगदान है दान करें। बस सर से यही प्रार्थना है और पूरे गया वासियों से, पूरे भारत वासियों से प्रार्थना है कि शहीदों को मदद करें। Oh,
अपने प्राणों की आहुति दे दी और किसी